हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। आपका ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो कि एनिमल क्लासिफिकेशंस में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक ऐसी स्पीसीज़ या एक ऐसे किंगडम की बात करते हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। आज उसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में एक स्पेसिमेन है, और ये स्पेसिमेन जो है आप देख सकते हैं आराम से, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो ये एक स्पेसिमेन है जो कि बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, और इसकी जो क्लास है वो है क्रस्टेसी, एंड ऑर्डर है डिकापोडा, एंड फैमिली जो है वो है आपकी ए कैनकरिडियाई, और जीनस जो है वो है कैंकर। आप इसे ध्यान से देखिए, ये एक तरीके का क्रैब है, और इस क्रैब के बारे में आज हम जानेंगे। ये देखिए, यहाँ पास देखिए, ये है आइज, और आइज के साथ जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, अगर हम आपको दिखाएं काफ़ी अच्छी तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये कहा जाता है क्लॉ या चीला के नाम से जानते हैं। इसके पीछे की जो आपकी आप देख रहे हैं आई के पास, ये जो छोटी छोटी जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये आपका एंटीना है। और इसके पीछे देखिए, आपको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इधर से, तो आपको थ्री लेग्स देखने को, तो आप देख रहे हैं ये जो आपको तीन लेग्स दिख रहे हैं इधर, 1, 2 एंड 3, वो आपके वॉकिंग लेग कहलाते हैं। और उसके पीछे जो लास्ट वाला लेग यानी फिफ्थ वाला लेग होता है वो स्विमिंग लेग कहलाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्विमिंग लेग। और इस पार्ट को जो ये आपका ऊपरी वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम थोरेक्सिक या सिफेलोथोरेक्सिक रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपका पूरा क्रैब। अब इसके कुछ कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये इसका अगर हम फिजिकल अपेयरेंस देखना चाहें, जो कि आपको थोड़ा सा हम जूम आउट करके दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल कैसा दिख रहा है। तो ये इसके पास फ्लैट, जो इनका फिजिकल अपेयरेंस होता है ये फ्लैट होता है, ओर शेप्ड होते हैं, इनके पास पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, एक टेल प्रेजेंट होती है। अगर इनके कलर वेरिएशन की बात करें तो काफ़ी कलर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप ये कलर जो दिख रहे हैं ये आप कुछ ऑलिव टाइप का देख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ब्राउनिश कलर में कुछ दिख रहे हैं। इसके कई सारे कलर्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपको ब्लू, रेड, ऑलिव, ग्रीन, इस तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं। और साथ ही साथ ये काफ़ी हाई वैल्यू फिशरी स्पीसीज़ में भी कंसीडर किया जाता है। और अगर हम बताएं इसकी जो सिमेट्री होती है, अगर सिमेट्री आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी तरीके से सिमेट्री समझ में आती है कि सिमेट्री जो होती है इनकी वो बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। मैं दिखाती हूँ आपको कुछ इस तरीके से, अगर आप देखना चाहेंगे तो इनकी जो सिमेट्री होगी वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री जो इनको दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर सके। साथ ही साथ ये फ्री लिविंग होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, और ये लैंड एंड वाटर दोनों पे रहना पसंद करते हैं। हैं लैंड, अगर ये वाटर में रहते हैं तो इनका जो ब्रीदिंग होता है वो गिल्स से ये ब्रीद करते हैं, और इनका जो पूरा बॉडी कवरेज होता है ये काफ़ी हार्ड एक्सोस्केलेटन का बना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़े से हार्ड दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो 3 to 12 ईयर तक का इनका लाइफ स्पैन होता है। जो इनके सेक्स होते हैं वो सेपरेटेड देखने को मिलते हैं, बट ऐसा सभी स्पीसीज़ में नहीं होते, इसके कई सारे स्पीसीज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट भी मिलेंगे और वो आपको साथ में भी देखने को मिलेंगे। अगर साथ में देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे स्पीसीज़ को हम हर्माप्रोडाइट्स कहते हैं। और इनका जो हम कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स कोर्टशिप बिहेवियर भी देखने को मिलता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये रहा क्रैब के बारे में, जो कि हमने जाना इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में और इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो आज हमने जाना एक नए फाइलम के बारे में जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा था, और हमने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कैरेक्टर्स होती है, खासकर हमने क्रैब की स्पीसीज़ के बारे में जाना। तो और भी कई सारी ऐसी स्पीसीज़ और ऐसे फाइलम्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं करूँगी भी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को प्यार दें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।